नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में। आइए आज बिहार के 15 बड़ी खबरों को जानते हैं। तो फटाफट से सभी कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताएं कि आप बिहार के किस जिले में रहते हैं, और साथ ही आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें, और अपने तरफ से एक प्यारा लाइक इस वीडियो को जरूर कर दें। आज की सबसे पहली खबर, 10 नवंबर को बिहार विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आने वाला है, तो इसमें 38 जिलों में किस विधानसभा का रिजल्ट सबसे पहले और किसका सबसे बाद में आएगा अभी जान लीजिए। आपको बता दें, मंगलवार सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होगी, जिसके नतीजे देर शाम तक आएंगे। नतीजों में देरी की वजह से इस बार मतगणना केंद्रों की संख्या बढ़ाना है। इस बार बिहार भर में कुल 55 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। पूर्वी चंपारण, गया और बेगूसराय में 3-3 मतगणना केंद्र बनाए गए, जबकि मधुबनी, पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, गोपालगंज, भागलपुर, नालंदा, नवादा और बांका में 2 केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें सबसे पहले फतुहा का रिजल्ट शाम 5 बजे के बाद आएगा। पालीगंज, मोकामा, बाढ़ का रिजल्ट शाम 6 बजे के बाद। दानापुर, पटना साहिब का रिजल्ट रात 9 बजे के बाद। बाकीपुर का रात 10 बजे। कुम्हरार का रात 10 बजे के बाद। और सबसे अंत में दीघा का रिजल्ट 1 बजे के बाद आएगा। भागलपुर में कुल 7 विधानसभा क्षेत्र है। सबसे पहले बिहपुर का रिजल्ट आएगा शाम 5 बजे के बाद, और सबसे अंत में भागलपुर का रिजल्ट आएगा रात 8 बजे के बाद। वहीं मुजफ्फरपुर जिले में कुल 11 विधानसभा क्षेत्र है। यहां सबसे पहले सकरा का रिजल्ट आएगा और सबसे अंत में मुजफ्फरपुर का रिजल्ट आएगा। वहीं अगर अन्य जिलों की बात करें तो अरवल में शाम 5 बजे के बाद, शेखपुरा में 4 से 5 बजे के बीच, शिवहर में 6 बजे के बाद, लखीसराय में 8 से 9 बजे के बीच, पश्चिम चंपारण में 5 बजे के बाद और पूर्वी चंपारण में 5 बजे के बाद आएगा। तेजस्वी को सीएम मनाने लगे हैं कार्यकर्ता। सरकार बदलने से पहले ही सीएम हाउस का गेट 10 सर्कुलर रोड की ओर खोलने की तैयारी। जी हां, ज्यादातर एग्जिट पोल में महागठबंधन की सरकार बन रही है, इसीलिए राजद समर्थकों के साथ लालू परिवार भी इसकी तैयारी कर रहा है। मुख्यमंत्री आवास का गेट 10 सर्कुलर रोड की तरफ खोलने तक की तैयारी हो रही है। यहाँ पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी का आवास है, और इसी आवास से रविवार दोपहर निकले लोग अंदर की चर्चा बाहर कर रहे थे कि रिजल्ट आने के बाद यह काम तत्काल कराया जाएगा, ताकि तेजस्वी राबड़ी देवी के घर से सीधे सीएम हाउस जा सके। बिहार चुनाव में जीतने वाले नए विधायक के लिए इस बार कुछ खास तैयारी। विधानसभा चुनाव 2020 में बिहार के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों से जीतकर आने वाले विधायकों के पटना में रहने की व्यवस्था में बिहार विधानसभा सचिवालय जुट गया है। अब रिजल्ट में महज 2 ही सूर्योदय का फासला देख यह व्यवस्था और तेज हो गई है। जो पुराने विधायक है और इस बार भी जीतकर आएंगे, उनमें से ज्यादातर के पास तो पहले से ही आवास है, लेकिन पुरानी परंपरा के तहत अब की भी विधानसभा सचिवालय की ओर से पहली बार जीत कर आने वालों के लिए रहने की व्यवस्था हो रही है। जानकारी के मुताबिक नव निर्वाचित विधायकों को पटना के विभिन्न होटलों में ठहराया जाएगा। विधानसभा की ओर से इसको लेकर पटना के जिला अधिकारी कुमार रवि को भी पत्र भेजा जा चुका है। आरजेडी ने अपने कार्यकर्ताओं के लिए जारी की चेतावनी, कहा किसी भी कीमत पर ये स्वीकार नहीं। जी हां, बिहार विधानसभा चुनाव का रिजल्ट 10 नवंबर को आने वाला है, जिसको लेकर आरजेडी ने ट्वीट करते हुए कहा कि 10 नवंबर को चुनाव परिणाम कुछ भी हो, उससे पूरे संयम, सादगी और शिष्टाचार से स्वीकारना है। इसके साथ ही उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अनुचित आतिशबाजी, हार्श फायरिंग प्रतिद्वंदियों तथा उनके समर्थकों के साथ अशिष्ट व्यवहार इत्यादि किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं होगा। किसी कीमत पर ये स्वीकार नहीं है। बिहार चुनाव 2020 में एग्जिट पोल के बाद अब दावों की जंग, जाने क्या कहती है पार्टी और नेता। बिहार विधानसभा चुनाव के 3 चरणों में संपन्न होने के बाद कई समाचार चैनलों द्वारा कराए गए एग्जिट पोल के नतीजे महागठबंधन को बढ़त देते दिखे हैं। शनिवार को विभिन्न चैनलों पर दिखाए गए इस एग्जिट पोल के सर्वे में बिहार में सत्ता परिवर्तन होते भी दिख गया है। हालांकि महागठबंधन के दावे इससे भी ज्यादा बड़ी जीत की किए जा रहे हैं। दूसरी ओर एनडीए का कहना है कि दावे अक्सर हकीकत से दूर होते हैं, नतीजे आने पर यह फिर साबित हो जाएगा। इसके साथ ही एनडीए नेताओं ने भरोसा जताया कि राज्य में एनडीए की ही सरकार बनेगी। बिहार विधानसभा चुनाव के तीसरे व अंतिम चरण का मतदान समाप्त होने के बाद आए विभिन्न सर्वे एजेंसियों के एग्जिट पोल को भाजपा ने नकार दिया है।
प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने कहा कि गरीब गुरबा राजनीति में कहीं नहीं है, ये एग्जिट पोल में शामिल नहीं होते हैं। मोदी सरकार की योजनाओं से गरीबों को लाभ हुआ है, एग्जिट पोल से इतर गरीब गुरबा ही बिहार में एनडीए की सरकार बनाएगी। रणदीप सुरजेवाला ने 150 प्लस सीटों पर किया जीत का दावा, डिप्टी सीएम के सवाल पर बोले अभी इंतजार कीजिए। जी हां, बिहार चुनाव के एग्जिट पोल के नतीजे सामने आने के बाद कांग्रेस के सीनियर नेता रणदीप सुरजेवाला रविवार को पटना पहुंचे। पटना एयरपोर्ट पर उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि बिहार की जनता ने बदलाव के लिए वोट डाला है। एक थकी हारी भाजपा और जदयू की सरकार जिसने बिहार को बदहाली के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया था, उम्मीद है जनता ने उसे बदलकर एक नई युवा तेज तर्रार और नई ताकत वाली सरकार के लिए मत डाला है। कांग्रेस पार्टी से डिप्टी सीएम बनने के सवाल पर उन्होंने कहा कि यह बात अभी बेमानी होगी, फिलहाल नतीजे का इंतजार है। राजद कांग्रेस और वाम दलों का गठबंधन सत्ता लेने के लिए नहीं लड़ा, महागठबंधन व्यवस्था परिवर्तन के लिए लड़ी। बिहार के लिए जो जरूरी होगा महागठबंधन वही करेगा। बिहार में महागठबंधन के 150 से ज्यादा सीटें आएंगी। तो चलिए अब बात करते हैं राज्य में कोरोना अपडेट को लेकर। तो बिहार में कोरोना संक्रमण की रफ्तार अब धीमी हो गई है। राज्य में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 801 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमित की संख्या बढ़कर 222,612 तक पहुंच गई है। बिहार में फिलहाल 7,564 कोरोना के एक्टिव मरीज है। तो वहीं दूसरी तरफ राजधानी पटना में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। राजधानी पटना में एक बार फिर से सबसे ज्यादा 306 नए मामले सामने आए हैं। आपको बता दें कि राज्य में पिछले 24 घंटों में कोरोना से 7 लोगों की जान चली गई है। इसके साथ ही राज्य में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 1136 तक पहुंच गया है। बिहार के लोगों के लिए खुशी की बात यह है कि महज 24 घंटों के भीतर 1000 कोरोना मरीज स्वस्थ हुए हैं। रांची से पटना व टाटा नगर से दानापुर जाने वाले यात्रियों के लिए खुशखबरी, अब हर दिन चलेगी स्पेशल ट्रेन। दीपावली और छठ को देखते हुए दक्षिण पूर्व रेलवे ने स्पेशल ट्रेन यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए काफी राहत दी है। रांची पटना रांची पूजा स्पेशल ट्रेन और टाटा नगर दानापुर टाटा नगर स्पेशल ट्रेन अब 10 नवंबर से हर दिन चलेगी। इन दो स्पेशल ट्रेन के हर दिन चलने से त्योहारी सीजन में अपने घर जाने को परेशान यात्रियों के लिए यह राहत की खबर है। आपको बता दें कि रांची पटना रांची स्पेशल ट्रेन का परिचालन रांची पटना रांची एक्सप्रेस ट्रेन के समय और ठहराव की तरह परिचालित होगी। वहीं दूसरी तरफ टाटा नगर दानापुर टाटा नगर स्पेशल ट्रेन का समय और ठहराव ट्रेन टाटा नगर दानापुर टाटा नगर एक्सप्रेस के अनुसार ही होगी। अगली बड़ी खबर, एग्जिट पोल सही हुआ तो तेजस्वी बिहार के सबसे युवा सीएम होंगे, देश के सबसे युवा मुख्यमंत्री का भी रिकॉर्ड इनके नाम। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 का रिजल्ट 10 नवंबर को आने वाला है। अगर तेजस्वी यादव सीएम बनते हैं तो वे इस पद पर पहुंचने वाले बिहार के सबसे युवा मुख्यमंत्री होंगे। अब तक यह खिताब 28 जनवरी 1968 से 1 फरवरी 1968 तक बिहार के कार्यवाहक सीएम रहे सतीश प्रसाद सिंह के पास था। सतीश प्रसाद सिंह 32 साल की उम्र में बिहार के सीएम बने थे। तेजस्वी यादव का जन्म 9 नवंबर 1989 को हुआ था। उनकी उम्र अभी 30 साल है, लेकिन सोमवार को तेजस्वी जन्मदिन मना रहे हैं, जिसके बाद उनकी उम्र 31 साल हो जाएगी। दिलचस्प तथ्य यह है कि तेजस्वी यादव के सीएम बनने के बावजूद वो देश के सबसे कम उम्र के सीएम का रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाएंगे। यह रिकॉर्ड पुडुचेरी के हसन फारूक के नाम है। फारूक 1967 में महज 29 साल की उम्र में सीएम बने थे। यहां बता दें कि पुडुचेरी राज्य नहीं केंद्र शासित प्रदेश है। छठ पूजा को लेकर डीएम और कमिश्नर ने की बैठक, यहां पढ़िए गाइडलाइन। कोरोना काल में बिहार विधानसभा चुनाव के सफलतापूर्वक मतदान संपन्न होने के बाद छठ पूजा और दीपावली की तैयारी की जा रही है। रविवार को पटना के डीएम कुमार रवि के साथ पटना के प्रमंडलीय आयुक्त संजय कुमार अग्रवाल ने बैठक की। इस बैठक में पूजा समिति के प्रतिनिधियों और वार्ड काउंसिलर के साथ भी छठ पूजा की तैयारी को लेकर चर्चा की गई। इस दौरान अफसरों पूजा समिति ने प्रतिनिधियों और वार्ड पार्षदों को दिशा निर्देश जारी किए।
आइए जानते हैं इन दिशा निर्देश को, जिसमें पहला है कोविड काल में पूजा की आस्था के साथ साथ सुरक्षा का भी ध्यान रखा जाएगा, यथासंभव घर पर ही छठ पूजा का आयोजन किया जाना श्रेयस्कर होगा। नगर निगम के परिचालित सफाई वाहन पर जिंगल के माध्यम से वार्ड वार प्रचार प्रसार करने का सुझाव दिया गया। अधिकाधिक श्रद्धालुओं भक्तों तक छठ व्रत के घर पर आयोजन करने हेतु मीडिया द्वारा जनहित में प्रचारित करने का सुझाव दिया गया है। सार्वजनिक स्थलों पर होर्डिंग बैनर पोस्टर द्वारा भी प्रचार प्रसार करने को कहा गया है। कुछ प्रतिनिधियों ने छोटे घाट पर छठ व्रत के आयोजन के लिए बंद करने और बड़े घाट वाले घाटों पर आयोजन करने संबंधी सुझाव दिए हैं। और अंत में छठ व्रत के अवसर पर सभी प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम के आयोजन पर रोक लगाने का सुझाव दिया गया है। अगली बड़ी खबर, परीक्षा कैलेंडर जारी। 25 नवंबर से पीजी और 7 नवंबर से यूजी की परीक्षाएं। जी हां, लंबे समय के बाद आखिरकार पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय ने शनिवार को अपना परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया है। इसमें पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय ने यूजी, पीजी, रेगुलर, व्यावसायिक सभी परीक्षाओं का शेड्यूल भी जारी कर दिया है। पीजी व वोकेशनल कोर्स पार्ट 1, पार्ट 2 स्नातक की परीक्षा 25 नवंबर से होगी। परीक्षाओं का शेड्यूल विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है, छात्र उसे देख सकते हैं। परीक्षा फॉर्म भरने की प्रक्रिया पहले से चल रही है। परीक्षा से एक सप्ताह पूर्व एडमिट कार्ड ऑनलाइन ही जारी कर दिया जाएगा। पीजी रेगुलर कोर्स प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा सुबह 10 से दोपहर 1 बजे के बीच 25 नवंबर से होगी। वहीं पीजी द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा भी 25 नवंबर से दूसरी पाली में दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक होगी। वहीं दूसरी स्नातक पार्ट 1 की परीक्षाएं 7 दिसंबर से 12 दिसंबर तक होगा। वहीं सब्सिडी की परीक्षाएं 14 दिसंबर से होगा। स्नातक पार्ट 2 की परीक्षाएं 5 जनवरी से होंगे। अगली बड़ी खबर, दीपावली बाद काउंसलिंग के लिए जारी होगा तिथि। जी हां, करीब 1,00,000 शिक्षकों के नियोजन के लिए संयुक्त मेरिट लिस्ट बनाने की कवायद शुरू होने जा रही है। इस संदर्भ में काउंसलिंग की तिथि दीपावली के बाद जारी हो जाएगी। प्राथमिक शिक्षक नियोजन के निदेशक डॉक्टर रंजीत कुमार ने कहा कि काउंसलिंग की तिथि दीपावली तक जारी हो जाएगी। आधिकारिक जानकारी के मुताबिक शिक्षा विभाग अब केवल DLED धारक की याचिका पर सुनवाई का इंतजार कर रहा है, जिन्होंने याचिका दाखिल कर कहा है कि दिसंबर 2019 में उत्तीर्ण DLED धारकों को भी इस नियोजन में शामिल किया जाए। अभी तक केवल जुलाई में उत्तीर्ण ही शामिल किए गए हैं। दरअसल इस संबंध में शिक्षा विभाग का स्पष्ट तौर पर कहना है कि चूंकि नियोजन की प्रक्रिया दिसंबर से पहले ही पूरी हो चुकी थी, इसलिए दिसंबर में DLED उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को भी शामिल करना तकनीकी तौर पर गलत होगा। इसी हफ्ते हाईकोर्ट में संबंधित सुनवाई पूरी होगी। और अंत की बड़ी खबर, अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति होंगे जो बाइडेन। ट्रंप को कहा, हम अमेरिकी विरोधी हो सकते हैं, दुश्मन नहीं। आपको बता दें कि डेमोक्रेटेड उम्मीदवार जो बाइडेन की रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप पर बढ़त बरकरार है। व्हाइट हाउस पहुंचने के लिए किसी को भी 538 इलेक्ट्रोल कॉलेज वोट में से 270 वोट हासिल करना जरूरी है, जिसमें से जो बाइडेन को 284 वोट मिले हैं, जबकि डोनाल्ड ट्रंप को 214 वोट मिले हैं। जो बाइडेन ने अपने समर्थक और अमेरिकी नागरिकों से शांति बनाए रखने की अपील की है और ट्रंप का नाम के लिए बगैर ही कहा कि हम विरोधी हो सकते हैं मगर दुश्मन नहीं। डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडेन ने अमेरिकियों को संबोधित करते हुए कहा कि हम इस रेस में जीतने जा रहे हैं। तो इसी के साथ ही आज के समाचार में इतना ही। डेली बिहार की बड़ी खबरों को जानने के लिए आप बिहारी मीडिया को जरूर सब्सक्राइब